का मेरा न्यू ब्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी के लिए मेरा प्यार भरा प्रणाम दोस्तों। और दोस्तों आप सभी के लिए मेरी और मेरे फैमिली की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार के दोस्तों। तो दोस्तों आज आ रहे हैं हम माँ बुरांसखंडा वाले मंदिर पे। जैसे कि दोस्तों हम मंदिर में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, फाइनली अब जाने वाले हैं दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को जरूर हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। तो दोस्तों हम पैदल ही यात्रा करते हैं मंदिर में जाने के लिए, और पैदल ही यात्री अच्छी लगती है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी का और स्कूटी का सफ़र मतलब जो भी होता है दोस्तों, तो वो तो हम डेली करते हैं दोस्तों। जहाँ मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं दोस्तों, तो हमेशा पैदल जाना चाहिए दोस्तों। हमेशा पैदल की यात्रा अच्छी होती है दोस्तों, हर मनोकामना पूरी होती है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप हमारे ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहना, और बने रहेंगे दोस्तों। आप लोग जा तो रहे हैं दोस्तों पैदल ही पैदल, पर पता नहीं धूप भी काफ़ी लग चुकी है। रास्ते में गाड़ी मिलेगी तो जा सकते हैं गाड़ी में भी, और बाकी लोग आगे चले गए। जैसे कि दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि पहाड़ों में कैसी पैदल यात्रा हो रही है दोस्तों। अभी यहाँ से 3-2.5 किलोमीटर दूर है दोस्तों, लगभग 3 किलोमीटर दूर होगा दोस्तों मंदिर में जाने के लिए, और पैदल ही यात्रा करेंगे दोस्तों। और हो सके गाड़ी भी आ सकती है दोस्तों, तो गाड़ी आएगी दोस्तों हम गाड़ी में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली रोड में पहुंच चुके हैं, काफ़ी धूप लग रही है दोस्तों, गाड़ी भी नहीं आ रही है पीछे से, बाकी लोग चले गए कोई स्कूटी में, कोई बाइक में, और कोई गाड़ी में दोस्तों। तो हमें बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है दोस्तों, हो सके गाड़ी मिले, और नहीं तो दोस्तों हम पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, इतनी भी दिक्कत नहीं हमारे लिए। और तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, जब हम मंदिर में जाएंगे तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे माता रानी का मंदिर। और दोस्तों अभी एक गाड़ी आ रही है पीछे से, तो देखते हैं वो रुकता है कि नहीं रुकता है दोस्तों। और तो फाइनली एक गाड़ी भी आ चुकी है पीछे से, तो उम्मीद करती हूँ भाई ले जाएगा गाड़ी में। तो दोस्तों हमें गाड़ी भी मिल चुकी है, अंदर पूरी बुकिंग हो चुकी है दोस्तों, गाड़ी अंदर जगह नहीं है इसीलिए हम छत के ऊपर बैठ चुके हैं दोस्तों। चलो गाड़ी तो मिल चुकी है हमें कम से कम आधे रास्ते तक। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी ख़राब रोड हो चुकी है गाँव में, और काफ़ी ये रोड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। गाड़ी के लिए तो थोड़ा ठीक है, पर स्कूटी बाइक के लिए तो बहुत ही बेकार। तो दोस्तों रोड तो देख ही लिए आपने कितनी ख़राब है रोड है दोस्तों गांव में। और दोस्तों हम अभी मतलब बहुत दूर है जाने के लिए, धूप भी लग रही थी इसीलिए हम गाड़ी में बैठ गए दोस्तों, और पैदल यात्रा तो आधे रास्ते से करेंगे दोस्तों हम। और मैंने ससुराल से आना था दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ ससुराल से आने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए मैं मायके आई हूँ कल। और तो भाई लोगों के साथ जा रही हूँ आज गाड़ी में। तो तो हम गाड़ी से उतर गए हैं दोस्तों, यहाँ पे भाभी लोग भी मिल गए, हम भाभी लोगों के साथ जा रहे हैं अब। और भाभी आज वो कल मायके गई थी, तो आज हम मंदिर जा रहे हैं, दोनों भाभी भी आ रही है। और दिखाती हूँ आपको मंदिर, ये रहा दोस्तों अभी मंदिर बहुत दूर है, देख सकते हैं आप काफ़ी दूर है दोस्तों। गाइस ये मेरा भांजा है, ये पागल हो चुका है, लड़की के पीछे पागल हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पे बहुत सारे आ रखे हैं, और वो बोल रहे हैं हम इन्हें जानते हैं, पर पहले हम रिश्तेदारी बनाएंगे उसके बाद हम ब्लॉग बनाएंगे। पहले हम रिश्तेदारी निभाएंगे उसके बाद हम ब्लॉग बनाएंगे। और ये लंबा नहीं हो रहा, इतना ही हो रहा, लोग बोल रहे कि लंबा करो, लोग बोल रहे लंबा करो, तो हमसे लंबा
रहता है दोस्तों, वो इतना ही लंबा है, वो इतना ही लंबा है और अभी बहुत दूर है, वो नहीं है काशी है, दूर का है, अभी काशी है बस। बुरा के फूल भी नहीं है यहाँ पे, आजकल खिले नहीं है, आजकल खिले नहीं है, आज खाने के लिए हमने न्यू फ्लोर बनाया, छूते ऊपर कौन मस्त लग रहा है। तो ये जो जो ब्लॉग बना रहा है, ये हमारा भांजा है, ये हमारा भांजा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही काला है, मामी के लड़की के पीछे पड़ा है, मामी के लड़की इसके लिए आएगी नहीं, मुझे पता है। और तो दोस्तों पहला वाला मंदिर माता क्रॉस करने का यहीं पे है, पहुंच चुके हैं फाइनली, रोक दे दोस्तों, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गाइस हम यहाँ पे पहुंचे हैं, इसकी गर्लफ्रेंड अभी पहुंची नहीं है, पता नहीं कब पहुंचेगी, तो हम इससे तब तक यहाँ पे काम कराते हैं, दिखा सकते हैं काम, देखा तब तक हम इससे रास्ता साफ करा देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं बांज के पेड़ कितने खूबसूरत है, खूबसूरत खूबसूरत पेड़ है, देख सकते हैं आप। जब सुब्रांगला मंदिर पर जाओ ना तब फेड़ी गणाए ले एक साइड के तो दोस्तों हम मंदिर के सीढ़ियां भी गिनेंगे अभी, तो वो भी दिखाएंगे आपको, हाइट छोटी है दोस्तों, क्या करें, हाइट बड़ी नहीं है इसलिए पहुंच नहीं पाती हूँ, सहारा बन गया। भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा बने रहे, सदा सही सलामत रहे। टीम है तो पहला मंदिर ये रहा दोस्तों माता रानी का, और दूसरे मंदिर में हम पहुंचने वाले हैं अभी। हाय गाइस, तो आज शिवरात्रि के दिन, आज शिवरात्रि के दिन हम मंदिर में आ रखे हैं, और ये दीदी हमारी जो ब्लॉगर है, क्या नाम है आपका? गीता चौहान ब्लॉग, और ये मेरा भतीजा है, ये मेरा ब्लॉग बना रहा है। तो हाय गाइस, इन दोस्तों को देख लीजिए हमारे साथ। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कुछ नहीं है, बस लाइक लाइक ठोके कमेंट और दीदी का चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक ठोके। तो देख सकते हैं सब भाई लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, और फाइनली हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील्ड है दोस्तों, तो यहाँ पे लड़के लोग अभी मैच खेल रहे हैं, और जब भी यहाँ पे मैच होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 15-20 गाँव के लोगों का मैच रखा जाता है दोस्तों। और तो हम अब आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों मंदिर की सीढ़ियाँ, और अभी यहाँ पे लड़के लोग मैच खेल रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा ये फील्ड है दोस्तों, तो देख ही रहे होंगे आप लोग। और पहाड़ में जंगल भी बहुत लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो बहुत सारे पेड़ भी है, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आता है यहाँ मैच देखने में। और दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर में, मंदिर की सीढ़ियां शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों मंदिर की सीढ़ियां बहुत सारी है, लगभग 500 सीढ़ियां होंगी, इसलिए हमने गिनी नहीं है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों मंदिर का अगल बगल का नज़ारा, और काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, और काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों यहाँ देखने में। ऐसा है एक बार करने के लिए फोन लिया, अबे मैं खड़ा रह जाऊँ, एक बोल फोन कर रहा हूँ, ना 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 भाई भाई यार विकास भाई तो मर्दानी ना बहार देन कर दम देन का जाओ दम बतरा बदलावा में जुबान रोजम सदा लोकम अकल भयंना ओम पृथ्वी देवता नमः धूपम अग्रे। जैसे कि दोस्तों हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पे कोई लोग सिरपल फोड़ रहे हैं, कोई चढ़ा रहे हैं, तो हम चढ़ाएंगे दोस्तों सिरपल,
और वो अपने अपने इच्छा है दोस्तों, कोई चढ़ा सकता है कोई फोड़ सकता है, वो माता रानी की कृपा है दोस्तों। पर जो भी यहाँ पे आता है दोस्तों, हर इंसान की मनोकामना पूरी हो जाती है दोस्तों। और ज़रूर आप लोग भी उम्मीद करते हो, आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे मंदिर पे आ जाना माता रानी के, कभी ना कभी आप लोगों को भी बुलाएगी माता रानी। यहाँ पे भी बुलाव आता है दोस्तों, किसी जब माता रानी किसी को बुलाव देती है अपने मंदिर में आने के लिए, तभी वहीं पर जाया जाता है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा मंदिर है दोस्तों, तो किसी का चढ़ावट लाया होता है दोस्तों तो यहाँ पे चढ़ाया जाता है, जैसे धूप अगरबत्ती लाते हैं दोस्तों कोई तो यहाँ पे जला देते हैं, और कोई अपना सिरपल वहाँ पे चढ़ा रहा है दोस्तों, माथा टेक रहे हैं, और कोई अपना सिरपल फोड़ रहे हैं दोस्तों। तो अपने अपनी इच्छा है दोस्तों, पर इस मंदिर में हर मनोकामना पूरी हो जाती है दोस्तों। तो मेरे मिलाप चौहान भाई और कपिल सिंह भाई आ रखे यहाँ मंदिर में भी, तो उनसे भी मिलाऊंगी, मिलाप सिंह चौहान से, यूट्यूबर जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब में, और तो मिलाना चाहती हूँ मैं उनसे आप लोगों को। तो मेरा देवर भी लगता है, भाई भी लगता है दोस्तों, ये मेरा भाई है, मुझे भाई घर आ चुका है, कब आएगा मैं कोई नहीं कोई नहीं, यूट्यूबर है ना बढ़िया की दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे सभी बड़े यूट्यूबर, और जिसका नाम मिलाप सिंह चौहान है, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूँगा। हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, और सपोर्ट करते रहे आप गीता चौहान ब्लॉग्स को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। और जैसे कि आपको पता है कि देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व है, और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की किस तरह से भीड़ है। तो मैं भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने यूट्यूबर में कैसा काम किया, आज आपके 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। हाँ भाई यार ऐसा कुछ नहीं है, कोई खोल सकता है, बस ये है कि थोड़ा वीडियो वायरल होनी चाहिए, बस लगे रहो आप एक ना एक दिन वीडियो वायरल हो जाएगी। शर्मा नहीं है, और बाकी हमारी सिस्टर भी है, भाभी भी हैं, जो बोलो इनको भी सपोर्ट भी करिए, धन्यवाद। आज का ब्लॉग मेरे भाई ने बनाया है, कपिल सिंह चौहान ने, और भैरव देवता के अवतार भी है, अवतार नरसिंह देवता भैरव देवता है। इन भाई लोगों से मेरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है दोस्तों, ऐसे भाई सबका होना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करते रहना, आप बहन को सपोर्ट करते, ऐसा अनदेखा मत करो, लाइक ठोको लाइक, लाइक ठोको गाइस। और कपिल भाई यहाँ पर अपनी चैन काम करना चाह रहे हैं, लेकिन घर वालों का डर है कहीं मम्मी घर में। तो कपिल भाई से पूछ रहे चैन किसने दिया आपको, क्या कह रहे हो, चैन किसने दिया, चैन मेरे ससुर जी ने दिया मेरे को, क्योंकि मेरे ससुर जी सुविधा है। तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरे भाई लोगों से मिलके, कपिल सिंह चौहान से और मिलाप सिंह चौहान भाई से। तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारा फोटोशॉप होने वाला है, हम अभी का ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहते हैं दोस्तों। तो जो मेरे ब्लॉग में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बाय बाय दोस्तों।